हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अगर कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे फास्ट किया जाए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस करना है। Windows+R प्रेस करने के बाद देख लीजिए, एक पॉपअप विंडोज आया है जिसको कि सबसे पहले टेम्प को ढूंढना है। टेम्प कहाँ है, ये रहा टेम्प। तो टेम्प अगर आप लोग टाइप कर सकते हैं तो टेम्प को सिलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए ये एप्लीकेशन में रन कर रहा है, इसको डिलीट कर देना है सिंपल सा। और इस बॉक्स को चेक कर देना है, उसके बाद करना क्या है, फिर से वही करना है Windows+R। अब देखिए ये जो है अब टेम्प पे है, अब इसको परसेंटेज वाला पे करना है, परसेंट प्लस टेम्प फिर परसेंट। अगर नहीं है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, इसमें ओके कर दीजिए। ये देखिए हमने तो पहले से क्लीन करके रखा था। अगर आप लोग का कंप्यूटर अगर स्लो वर्क कर रहा है ना तो यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन रन पे रहेगा, तो सिलेक्ट कर लिए इसको और इसको डिलीट मार देते हैं। डिलीट, खैर ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से क्लीन करके रखा था, लेकिन मेथड यही है। अब फिर से इसको करना क्या है, फिर से Windows+R। अब जो है प्रीफेज पे जाना है, प्रीफेज अगर नहीं है तो प्रीफेज आप देख लीजिए इस पर लिंक क्या है और इसको टाइप कर लीजिए, आप ओके कर दीजिए। देखिए बहुत कम है लेकिन हम पहले से साफ करके रखे हैं, वरना बहुत सारा रहता है यहाँ पे। इसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए, बस बॉक्स को चेक कर दीजिए। बॉक्स को चेक करने से यही होता है कि अगर कोई डिलीट नहीं होने वाला होता है ना, तो मान लिया जाए कि 4-5 एप्लीकेशन है, तो उसके लिए जो है बॉक्स को अगर चेक कर देंगे तो वो सारे इग्नोर हो जाते हैं। तो ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं। अब जो है जितना भी विंडोज है कंप्यूटर में उसको बंद कर दीजिए और रिसाइकिल बिन में जा करके राइट क्लिक करके इसको इंटायरली रिसाइकिल बिन कर दीजिए, ताकि जितना भी हमने डिलीट किया था वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए एक वार्निंग दे रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस 6 आइटम्स, तो ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद जो है एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट मार दीजिए, रिस्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर बहुत हल्का हो जाएगा और बहुत फास्ट चलने लग जाएगा। बस यही आज का वीडियो था दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। बस थैंक यू।